जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यू की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बीएसएफ में एक और न्यू भर्ती आ चुकी है जिनमें आप लोगों के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई। इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया हुआ था कि 1144 पोस्ट पर भर्ती आप लोगों के आने वाली है, लेकिन इसी बीच आप लोगों का एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह भर्ती आप लोगों की पहली कराई जाएगी, उसके बाद जो है वो भर्ती कराई जाएगी जो कि 1144 पोस्ट पर भर्ती आई हुई थी। इनमें आप लोगों का लगभग जो है 72 या 73 पोस्ट के लगभग भर्ती आई हुई है। तो क्या कुछ रहने वाला है इस भर्ती में, एज लिमिट क्या रहने वाली है, हाइट क्या रहने वाली है, अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। साथ साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं लेकर चाहता हूँ आप लोगों को वेबसाइट पर और वहीं से सारी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर दिया गया है। मैं नीचे स्क्रॉल करके लेकर चलता हूँ और आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो नेम दिया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, या वैकेंसी का ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया गया है। पोस्ट नेम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो 72 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में आप लोगों को अप्लाई डेट के बारे में बता देता हूँ। अप्लाई डेट यहाँ पर अवेलेबल सुन दिया गया, यानी कि यहाँ पर बताया गया है, जब आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में वैकेंसी आएगी जल्दी ही। यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप लोगों को जो है हर जो है आप लोगों का जो है सोमवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर निकलता है। लगभग यह जो है साप्ताहिक अखबार है, तो यह हफ्ते में एक बार आता है। तो यह सोमवार को आप लोगों का जो है भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट होने के 45 दिन तक आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके लेकर चलते हैं, आप लोगों को एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। एज लिमिट यहाँ पर आप लोगों को 18 से लेकर 25 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, इसमें साथ साथ ST ST वालों को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, इसके साथ साथ OBC वालों को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल OBC का यहाँ पर 100 रुपये फीस लग रहा है, ST ST और फीमेल कैंडिडेट का फीस कोई नहीं लेगा। जो फीस पेमेंट करना है वो आप लोगों को ऑनलाइन मोड से आप लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, वैकेंसी की अगर डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ASI के पोस्ट पर आप लोगों की एक वैकेंसी आई हुई है, हेड कॉन्स्टेबल में कारपेंटर के पोस्ट पर 4 वैकेंसी आई हुई है, हेड कॉन्स्टेबल प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट पर आई हुई है और स्वीपरमैन के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। कॉन्स्टेबल में ही आप लोगों का जो है जनरेटर ऑपरेटर, ठीक है, जनरेटर ऑपरेटर के लिए आप लोगों की जो है 24 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। साथ साथ जो है जनरेटर मैकेनिकल के लिए आप लोगों की 28 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। मैकेनिकल में ही आप लोग कॉन्स्टेबल में ही 11 पोस्ट पर एक वैकेंसी और आई हुई है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल आप लोगों को 72 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए है, यदि आप लोग ASI पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है, साथ साथ डिप्लोमा का कोर्स मांगा गया है, ड्राफ्टमैन सिविलियन में आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कारपेंटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो कारपेंटर में अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है, इसके साथ साथ आप लोगों के पास RTI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कारपेंटर में आप लोगों का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और प्लम्बर में अगर बात करूँ तो प्लम्बर में भी आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है, इसके साथ साथ RTI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आप लोगों से मांगा जा रहा है। स्वीपरमैन के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपली 10वीं पास मांगा गया है, इसके साथ साथ आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। और यदि आप लोग जो है कॉन्स्टेबल की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जनरेटर ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है, साथ साथ आप लोगों के पास जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इसके कोई सर्टिफिकेट आप लोगों को वहाँ पर लगाना होगा और इसमें आप लोगों का जो है वेयरमैन का आप लोगों के पास जो है या फिर मोटर मैकेनिकल का आप लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 3 ईयर्स का आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद कांस्टेबल आप लोग जनरल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके साथ साथ आप लोगों को 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। सेम प्रोसेस आप लोगों का इसमें भी रहेगा, आप लोगों का जो है इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल डाउनलोड आप लोग लिंक यहां पर मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को सोमवार से आ जाएगा है, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, तो आप लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को यदि मन में कोई सवाल बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।